के लिए वोट डालिए, जिसको आप पसंद करते हैं उसके पक्ष में जाकर बटन दबाइए। इस बीच टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हंगामा हम आपको दिखा रहे हैं। ये हंगामा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां टीएमसी ने आरोप लगाया कि महिला पोलिंग बूथ पर पुरुष पोलिंग एजेंट लगा दिए गए। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपस में इस चीज को लेकर काफी बहस भी हुई है। और इंद्रजीत कुंडू प्रकट होइए, जरा बताइए क्या हालात वहां पर पश्चिम बंगाल में, इस तरह की छिटपुट चीजों के बीच वोटिंग कैसी चल रही है? बिल्कुल, देखिए हम लोग इस वक्त जिस पोलिंग बूथ में है, ये रायगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, ये कॉरोनेशन हाई स्कूल है। और कुछ देर पहले यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार है देवश्री चौधरी, वो यहाँ पे आई थी। ये एक वेमेन ओनली पोलिंग बूथ है, महिलाओं के लिए है फीमेल पोलिंग बूथ, और यहाँ पे जितने भी पोलिंग पर्सनल वो सब महिलाएं हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा था कि तृणमूल के जो वर्कर्स हैं वो लोग उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनके ऊपर हावी हो गए, उनके ऊपर चिल्लाने लगे थे और बाहर एक स्कफल भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अगर हम लोग इसके साथ साथ रायगंज के साथ साथ दार्जिलिंग जो जहाँ पे वोट हो रही है उसकी बात करें, तो वहाँ पे एक जगह आता है चोपड़ा, वहाँ पे काफ़ी इस वक्त तनाव है। पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे जो गांव वाले हैं उनका ये आरोप है कि तृणमूल के जो समर्थक हैं उनको इंटिमिडेट कर रहे थे, उनको थ्रेट कर रहे थे। उसके बाद ज़्यादा पुलिस फोर्स वहाँ पर ले जाया गया, और अब हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि जो विलेजर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, रास्ते पर उतर के रास्ता रोक दिया गया था, और उसको हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी है। ये वापस आएंगे इंद्रजीत आपके पास। नलिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, इंद्रजीत पूछना चाह रही हैं, नलिनी जी कुछ आपसे। इंद्रजीत आपसे पूछना चाह रही हूँ, नलिनी सिंह हूँ, कि ये जो आपने बात की दार्जिलिंग में तनाव की, क्या ये जो गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा है इसके जो दो गुट है उनमें ये तनाव हुआ हुआ है? एक प्रो टीएमसी है, एक टीएमसी के विरोधी है, तो क्या उन लोगों ने अपना गोरखालैंड वाला साधने के लिए ये तनाव पैदा कर दिया है क्या? जी नलिनी जी, देखिए ये जो जगह की बात हो रही है दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग हालांकि हिल स्टेशन है, दिखने में हिल स्टेशन लगता है, लेकिन अगर पूरी दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो जो प्लेन लैंड है वहाँ पे भी बहुत सारी सीट्स है। चोपड़ा जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, लेकिन वो पड़ता है उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ पे ये झमेला हुआ है वो बिल्कुल प्लेन लैंड है, वहाँ पे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कोई समर्थक नहीं है। ये दरअसल विलेजर्स जो थे, जो रूरल वहाँ पे लोग हैं, उनका ये था कि पिछले जो पंचायत चुनाव हुआ था वहां पे भी उन लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया था, और काफी तनाव और गुस्सा कल से ही था। तो आज जब फिर से ये एलिगेशन आया है कि तृणमूल के जो समर्थक है वो उनको वोट देने नहीं डाल रहे हैं, तो वो रुख खड़ा हुए और वो तृणमूल के समर्थक के साथ भिड़ गए, और उसके बाद वहां पे आंदोलन चल रही थी विलेजर्स की, रास्ते पे उतर के वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस को जाके इंटरवीन करना पड़ा ताकि जो पोल प्रोसेस है वो फिर से शुरू हो सके। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ पर। दरअसल और ये अक्सर हमने देखा भी है पिछले कुछ सालों में, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह की झड़प, चाहे चुनाव के दौरान हो, चुनाव के पहले हो, या कोई भी चुनाव चल रहा हो, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो तमिल ये तृणमूल कांग्रेस हो, वहाँ पे एक तरीके का कल्चर है, उसको आप होलिगनिज्म भी कह सकते हैं, उसको आप वायलेंस भी एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे जब सीपीएम का गढ़ हुआ करता था तो सीपीएम किसी भी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा नहीं होने देती थी, और वहाँ हिंसा और कत्ल भी हुआ करते थे। मुझे लगता है कि आज जो सारे कार्यकर्ता जो सीपीएम के साथ थे वो तृणमूल कांग्रेस को शिफ्ट कर गए हैं, और तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल वही टैक्टिक्स अपना रही है जो कभी सीपीएम अपनाया करती थी। और ये बीजेपी के साथ इसलिए अपना रही है क्योंकि बीजेपी इमर्ज कर रही है पश्चिम बंगाल में। इमर्ज करने के साथ साथ ये भी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो स्वाभाविक तौर पर एग्रेसिव होता है, वो आप किसी भी जगह चले जाइए, वो संख्या में कम हो उसके बावजूद भी उसके अंदर एग्रेशन होता है, आक्रामकता होती है, वो अपने आप को असर्ट जब करते हैं तो जाहिर सी बात टीएमसी चूंकि वहाँ पे मजबूत स्थिति में तो उसको रिटेलिएट करती है। तो ये इसलिए इस तरीके की जो घटना है, जैसे जैसे बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे वह हिंसक वारदातें बढ़ती जाएंगी और उनकी संख्या तेज होगी। आलोक जी पिछले कुछ कह रहे पहले जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी वही टैक्टिक्स अपना रही है जो टीएमसी ने अपनाई थी जी। 30 साल ममता बनर्जी ने
बहुत लड़ाई लड़ी सड़कों पर, लाठियां तक खाई, धक्के खाए, विधानसभा से भी उनको बाहर निकाल दिया गया था, बिल्कुल। लेकिन वो लड़ लड़कर उन्होंने जो वहां वाम दलों का जो एक संगठित जो नीचे तक जो भी उनका नेटवर्क था उसको उन्होंने उन्हीं की भाषा में जवाब दे के तोड़ा। आज बीजेपी वही उनके साथ कर रही है। और आज ममता की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चूंकि उन्होंने वाम दलों के नेटवर्क को तोड़ दिया तो निचले स्तर पर उनका साथ निभाने के लिए आज वो लोग खड़े नजर नहीं आ रहे हैं जो कि विचारधारा से बिल्कुल बीजेपी से अलग है, बल्कि वो लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं क्योंकि ममता ज्यादा बड़ी वर्ग शत्रु नजर आती है। बिल्कुल, क्या ये एग्रेसिव पार्टी होना हिंसक पार्टी होना भी है? क्योंकि आशु ने एक बात कही अभी कि बीजेपी एग्रेसिव पार्टी है, उसके कार्यकर्ता अपने को असर्ट करते हैं। गांधी बहुत एग्रेसिव थे लेकिन वो विनम्र थे। एग्रेशन हिंसा लाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो जितना जोर से बोले, जो जितना ज्यादा बुरा बोले, वो उतना ज्यादा सुर्खियां कमाता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया के उफान ने हमारे सामाजिक शिष्टाचार और मर्यादाओं को एक नई शान और नया तेवर दे दिया है। अच्छा या बुरा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक ऐसा जरूर है जिससे बहुत से लोग हतप्रभ है। आप ये देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस भी आक्रामक रीति के पक्ष में रहे ना, बंगाल का एक हमेशा आप कल्चर देखें, या तो लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी एक समय में उसका करती थी, और ममता बनर्जी तो कांग्रेस से निकली, बीजेपी उसी स्लॉट को भर रही हैं। लेफ्ट पार्टीज वहाँ लगभग खत्म थी, आप जानिए प्रकाश कारत के समय से धीरे धीरे वहाँ पर उसका अंत हो गया। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए पिछले दो वर्षों से, चाहे आप उसे कहें कैलाश विवर्गी या पूरा बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तहत, उसको हिंदुत्व, राष्ट्रवाद कई तरह से जोड़ के कांग्रेस मुक्त उसको जो ऐसी स्थिति बनाई है, उसके लिए खुद ये पार्टियां भी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने तो वहां ममता बनर्जी से समझौता नहीं किया, वहां लेफ्ट पार्टीज के साथ भी उसके साथ नहीं उसकी पटरी बैठती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना गढ़ बना रही है और आक्रामक तेवर के साथ बना रही है, ये इस चुनाव में मतदान में भी दिखाई